केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो चित्तौड़गढ़ के सेकंड डिवीजन के निवारक दल ने कार्रवाई करते हुए 2 किलो 60 ग्राम अफीम बरामद की, साथ ही एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। आरोपी चित्तौड़गढ़ नीमच हाईवे के करीब एक ढाबे पर अफीम की सप्लाई करने जा रहा था। इस अफीम की कीमत लगभग 6 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी कपिल सिंह अफीम को हाईवे पर बने नज़दीकी ढाबे पर तस्करी के लिए बेचने जा रहा था। आरोपी ने अपना ढाबा किराए पर दे रखा है और ढाबे के जरिए तस्करी का काम करता है। अफीम की कीमत लगभग 6 लाख रुपए बताई जा रही है। इस कार्रवाई में इंस्पेक्टर रोबिन हल्दर, इंस्पेक्टर जगजीत, सब इंस्पेक्टर हिमांशु शेखावत, हवलदार पुष्पेंद्र सिंह, अनिल मेनारिया, वीरेंद्र, नीतीश शामिल रहे। खबरों की अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज़।